सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव ने महिला आरक्षण पर अपनी ही पार्टी के रुख का विरोध किया है। अपर्णा यादव ने लखनऊ में महिला सशक्तिकरण के कार्यक्रम के बाद इंडिया न्यूज संवाददाता विजय मिश्रा से खास बातचीत में कहा कि मुलायम सिंह के आरक्षण विरोध के रुख से वो सहमत नहीं है। आरक्षण को लेकर ये क्या सोचना है आपका? महिला आरक्षण बिल्कुल होना चाहिए महिला आरक्षण। कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर के विपक्ष हमेशा कहता है कि आप ये कहती हैं, मुलायम जी कुछ और कहते हैं, ये नहीं लगता है? उनकी पर्सनल सोच है और ये मेरी पर्सनल सोच है। एज अ महिला मुझे लगता है कि महिला आरक्षण होना चाहिए। जी बिल्कुल, ये थी अपर्णा यादव जी, जिनका साफ कहना है कि महिलाएं इस समय भारत में काफी पीछे हैं और इनको लेकर के एक आरक्षण होना चाहिए। हालांकि इस मुद्दे को लेकर के जरूर एक राजनीति उठी थी कि बहू कहीं और, ससुर कहीं और, लेकिन उनका साफ कहना है कि वो कुछ भी सोचे वो उनका सोचना है और महिला आरक्षण जरूर होना चाहिए। कैमरा पर्सन रोहित के साथ विजय मिश्रा, इंडिया न्यूज, लखनऊ। विपिन चौबे हमारे साथ लखनऊ से इस वक्त जुड़ रहे हैं। विपिन, अब क्या कहेंगे नेताजी? मुश्किल परेशानी है कि जब घर की बहू ही बगावत कर जाए तो नेताजी के लिए मुश्किल है कुछ भी कहना, लेकिन इतना जरूर है कि इस बयान के कई मायने निकाले जाएंगे। और वैसे भी अपर्णा यादव इस समय एक्सरसाइज कर रही है राजनीति के मैदान में उतरने का, तो इस तरह के बयानों के जरिए वो अपनी पहचान बनाना चाहती है, जबकि दूसरी तरफ उनके ससुर मुलायम सिंह यादव और पार्टी की सिचुएशन ऐसे बयानों से खराब हो रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विपिन इस तमाम जानकारी के लिए आपका। सभी संवाददाताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे और इसी खबर के साथ सुन इंडिया में आज के लिए इतना ही।